गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 12 पढ़ाऊंगी। चैप्टर नेम है क्लाउड वॉचिंग। क्लास 2 की बुक है, ट्री टॉप अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन इंग्लिश। चैप्टर 12 क्लाउड वॉचिंग। हियर्स अ पोएम अबाउट अ बॉय हु लव्स वॉचिंग क्लाउड्स। यहाँ एक लड़की के बारे में कविता है जो बादलों को देखना पसंद करता है। सबसे पहले मैं इसे रीडिंग कर दूंगी, आप लोग भी इसे साथ में दोहराएं। देयर्स अ रैनो, देयर्स अ हिप्पो एंड अ सुपर एट विंग्ड बैट, देयर्स अ लायन एंड अ मंकी इन अ गेंट बॉलर हैट, देयर्स अ कैशल विथ अ ड्रैगन एंड द नाइट हूज कम टू स्ले, देयर्स एन ऑक्टोपस विथ शूज ऑन and he is holding a bucket, there's a man with untied laces who's just fallen in a pond, and a wizard in rubber shoes trying to mend his broken wand, there's a boy who's doing nothing looking up at cloudy skies, yes it's me, I should be busy, I've got स्कूल वर्क टू रिवाइज। ये पोएम गैरेथ लिकेंस्टर की लिखी हुई है। देयर्स अ राइनो, देयर्स अ हिप्पो एंड सुपर एट विंग्ड बैट। एक गेंडा है, एक दरियाई घोड़ा है और एक सुपर आठ पंखों वाला चमगादड़ है। देयर्स अ लायन एंड अ मंकी। एक शेर है और एक बंदर है इन अ गेंट बॉलर हैट और एक विशाल बॉलर टोपी में। देयर्स अ कैशल विथ अ ड्रैगन, एक महल है एक अजगर के साथ। एंड द नाइट हूज कम टू स्ले, और सूरवीर जो मारने आया है, स्ले मतलब मार डालना। देयर्स एन ऑक्टोपस, एक ऑक्टोपस है विथ शूज ऑन, जूतों के साथ। एंड ही इज होल्डिंग बकेट, और एक फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए है। होल्डिंग मतलब पकड़ना और बकेट मीन्स गुलदस्ता। देयर्स अ मैन विथ अनटाइड लेसेस, एक आदमी है बिना बंधे फीतों के, एक जस्ट फॉलन इन अ पॉन्ड, जो अभी अभी तालाब में गिरा है। देयर्स अ मैन, एक आदमी है विथ अनटाइड लेसेस, जो बिना बंधे फीतों के है। Who's just fallen in a pond, जो अभी अभी तालाब में गिरा है। And a wizard, wizard means जादूगर होता है। और एक जादूगर है in rubber shoes, जो रबर के जूतों में है। Trying to mend his broken wand, और जो कि अपनी टूटी हुई छड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। Trying to mend, mend मतलब होता है जोड़ना, और broken मतलब होता है टूट गया। वांड मतलब होता है छड़ी, या जो अपनी टूटी हुई छड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। देयर्स अ बॉय, एक लड़का है हु इज डूइंग नथिंग, जो कि कुछ नहीं कर रहा है। लुकिंग अप एट क्लाउडी स्काइज, आसमान में बादल छाए हुए देख रहे हैं। यस इट्स मी, हाँ मैं ही हूँ। आई शुड बी बिजी, मुझे व्यस्त होना चाहिए। I've got school work to revise, मेरे पास revise करने के लिए स्कूल का काम है। Revise मतलब होता है दोहराना या संशोधित करना। I've got school work to revise, मेरे पास दोहराने के लिए स्कूल का काम है। चलो बच्चों एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ो। There's a rhino, there's a hippo and a super eight winged bat, there's a lion and a monkey in a gaunt bowler hat, there's a castle with a dragon and the knight who's come to slay, there's an octopus with shoes on and he's holding a bucket, there's a man with untied laces who's just fallen in a pond, and a wizard in rubber shoes trying to mend his broken wand, there's a boy who's doing nothing looking up at cloudy sky, yes it's me,
आई शुड बी बिजी, आई गॉट स्कूल वर्क टू रिवाइज।